रडार पे, स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स को भी, गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व का चार्ट बढ़िया है, कंसोलिडेशन हुआ हायर टाइम फ्रेम बेसिस से, वहां से बाहर उभर कर आया है, ट्रेड कर रहा है 1721 का आसपास, मिले तो लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 1721 रुपए। इसका नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट 1750 का है प्लस जोन, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। लेकिन जब मैं सेटअप को देखता हूं ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस, ये तो लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, ये न्यू हाई भी पार कर लेगा बजाज फिनसर्व। के बजाज फिनसर्व, ये हो गई गाबा सर की पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इंडिगो में वापस मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम मिला है। पिछले हफ्ते में भी हमने वेनसडे को इसे आइडेंटिफाई किया था जब अपने बेस से ये एक एलिवेटेड मूव दिखा रहा था, बट फिलहाल एक अच्छे अपमूव के बाद दो दिन का अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। एंड जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 4900 के पार हो जाना चाहिए। सो स्ट्रक्चरली मोमेंटम मुझे लग रहा है वापस रिवाइव होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर में। जिस तरीके से 60 मिनट चार्ट है, मुझे लग रहा है 4690 के ही स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन चेस करने चाहिए 4925 के टारगेट के लिए। अच्छा, एक बार इंडिगो का इंट्राडे चार्ट रखिए स्क्रीन पर। ये तो खैर 12 महीने का चार्ट हो गया और ये कल का चार्ट है। अच्छा, 12 महीने का चार्ट और कल का चार्ट आपको सेम दिखेगा ऑलमोस्ट, है ना? ऐसा लग रहा है ना कि सेम चार्ट ही वो वापस फायर हो गया। कल मैंने एक चीज़ कही थी आशीष, और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडर्स को डायरी में लिखना चाहिए कि मैं इंडिगो को शॉर्ट नहीं करूँगा। फिर से कल वही, मतलब कुछ मतलब ये हो गया था कि अब क्रूड बढ़ रहा है या फिर फ्लाइटें अगर कुछ कैंसिल होंगी या कुछ होगा तो उसकी वजह से इंडिगो गिरेगा। अरे, ये स्ट्रक्चरल तेजी है इंडिगो में, और ये मैं मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इंडिगो का स्टॉक अभी भी 4700 पर है। जिस लेवल की इंडिगो की प्रॉफिटेबिलिटी है, इंडिगो अगर अपना खाली फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस को अलग लिस्ट कर देना भाई साहब, वो बिजनेस जो है ना आज की डेट में आपके सारे जोमेटो वगैरह से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है? और जो इनका मेन बिजनेस है वो तो अलग लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी पर है, कैश जनरेटिंग मशीन है ये। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, मेरा तो व्यू है कि इंडिगो बहुत मतलब 5 digit का स्टॉक होना चाहिए और वहां पर भी ये महंगा नहीं होगा। एक ऐसा लार्ज कैप जिसने लार्ज कैप मल्टीबैगर रहा हो और उसके बाद भी महंगा नहीं हो, आगे जाके इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा, ये बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही, आई थिंक जैसे कहते हैं ना, एक केस स्टडी, एक वो केस स्टडी है कि क्यों ऐसे स्टॉक्स को आपको हर डिप पर बाय करना चाहिए। कल परफेक्ट मौका था बाय करने का, परफेक्ट मौका था कल बाय करने का। खैर, अब आज सचिन की कॉल है, देखते हैं और यहाँ से और कितना चलेगा। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक चलना चाहिए यहाँ से। रखिए भाई इंटरग्लोब एविएशन रडार पे, ऑर्डर से आ रहा है। गाबा सर, क्या ऑर्डर करते हो जब आप जाते हो? मेरे को तो उसके कप नूडल्स, वो गरम गरम मिलता है, बैठे बैठे आप जब तक खाओ पियो लैंडिंग का टाइम हो जाता है। गाबा सर, आप खाते हो कप नूडल्स क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। हेल्दी फूड ही खाते हो सिर्फ? मैं बिल्कुल नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं, एयरलाइन का खाना मुझे पसंद नहीं। चुकलेट फूड मैम आपको वो देती होंगी पोटली बांध के मस्त खाने की। कान बंद है, मैंने खोल दिया अभी कान। मैं ऑर्डर करता हूँ चिकन जंगली सैंडविच। हाँ, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा होता है वो। सुबह सुबह क्या क्या बातें हो रही हैं। सुबह नीरज वाजपेयी वो पिज्जा पे अटक गए थे, फिर फंस गया मामला भी। आगे बढ़ रहा हूं, मानस के पास चला जाए और मानस से जाना जाए आज का उनका टॉप कॉल। मानस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईएक्स पे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि 3 दिन का करेक्शन हुआ। कल रिकवरी में 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक स्टॉक तैयार है पिछले हाईस को टेस्ट करने के लिए। तो 201 के 201 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे और 193 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, आईईएक्स मानस का प्रेफर्ड आइडिया, खरीदारी करने का मन। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल। आशीष जी, आज का टॉप कॉल में टाटा पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और स्टॉक वापस 20 डे को रीगेन करने का अटेम्प्ट किया है। कल एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था हमें और वॉल्यूम के साथ
देखने मिला है, ओपन इंटरेस्ट भी इसमें बिल्ट अप वापस होता हुआ देखने मिल रहा है। तो खरीदारी की सलाह 420 का स्टॉप लॉस लगाना है 436 के पहले टारगेट एंड 444 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके ओके, तो ये टाटा पावर डब्लू पैटर्न, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न टाटा पावर पर। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मुझे लग रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छी बेस बन चुकी है, 20 दिनों के एवरेज को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है और कल का वॉल्यूम्स जिसे कहते हैं पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट्स उस तरह का वॉल्यूम है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड रिकमेंड करूंगा, करीबन 685 के जस्ट नीचे 684 कल की क्लोजिंग रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना है वो 670 के नीचे यानी 666 या 667 इस जोन तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट मेरा यहाँ से होगा, एक डेली चार्ट पे गैप है 710, 710 को हमें टारगेट मार के चल सकते। लो भाई साहब गजब वॉल्यूम्स के साथ भाग रहा है, पसंद आ रहा है सावन साहब को। इसमें ना एक और ट्रिगर LIC हाउसिंग फाइनेंस में, हाँ। क्यों LIC हाउसिंग फाइनेंस चल रहा है? हाँ। देखिए आशीष, जब HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ, हाँ। उसके बाद से हमारे यहाँ कोई एक हाउसिंग प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक बचानी एज अ आइकॉनिक स्टॉक, LIC हाउसिंग फाइनेंस अब सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक है। बजाज फाइनेंस के हाउसिंग कंपनी का IPO आने की तैयारी हो रही है, हाँ। हाँ। जब भी वो आएगा उसके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत सस्ता लगेगा, तो इसके लिए ये कुछ और एक रीज़न है कि ये ऑफ लेट थोड़ा सा स्टॉक चलना शुरू हुआ है। यस, रखिए रडार पे भाई सावन साहब का प्रेफर्ड पिक, आज सतपुते साहब नजर नहीं आ रहे। चलिए आज के सारे ट्रेडिंग पिक्स हो गए, धर्मेश कांत साहब के साथ एक बढ़िया सा पोजिशनल आइडिया वो जान लिया जाए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे दर्शकों और पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ ही जाना चाहेंगे, अनुज ने बहुत अच्छा पॉइंट अभी हाईलाइट किया कि अगर बजाज फाइनेंस का जब हाउसिंग कंपनी की लिस्टिंग आती है, IPO आती है, तो वहाँ पे एक रेटिंग होगा और काफ़ी एक्सपेंसिव लिस्टिंग की संभावना है वहाँ पे। और ऐसा आप देखिए तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी चल रहा है, तो वहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस पर बाई करने की सलाह रहेगी। जो 20,000 करोड़ के AUM वाली जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं वहाँ पर ये नंबर वन है, और वैल्यूएशन के हिसाब से लगता है एप्टस और आवास हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता भी लग रहा है। तो मुझे लगता है 390 से 400 के बीच में काफ़ी अच्छा एक बाइंग ट्रैक्शन यहाँ पर बनता है। 440-450 के पोजिशनल टारगेट के लिए इसे बाई करके चल सकते हैं। NPL रेशियोज एंड ग्रोथ रेट काफ़ी कंटेंड है इसका, और मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश लगे, 15-17% के आसपास का इन्होंने गाइड किया है कि वे ग्रोथ साल दर साल चलती रहेगी। ओके, हाउसिंग फाइनेंस एज अ स्पेस, चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल्स हो, अट्रैक्टिव बेट्स हैं, अलग अलग बेट्स हैं, उनको रिकैप कर दूंगा लाइए। लेकिन पहले गावा सर का रिकैप आइडिया, मतलब आज का प्रेफर्ड आइडिया, बजाज फिनसर्व। गावा सर कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके यहां पर 1721 का स्टॉप, 1750 प्लस के टारगेट। इंटरग्लोब एविएशन सचिन का आइडिया, पिछले हफ्ते से सचिन पीछे पड़े वैसे स्टॉक के, और चल भी रहा है, 4690 का स्टॉप, 4925 का लक्ष्य। IEX मानस का बाय आइडिया, 193 का स्टॉप लॉस, 201 के टारगेट्स। वैसे आज सारे के सारे बाय कॉल्स ही हैं वापस। बहेती साहब को W बनता हुआ नजर आ रहा है टाटा पावर की चार्ट्स पे, 420 का स्टॉप है, 436 से 444 तक के टारगेट्स हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस सावन साहब का प्रेफर्ड पिक है, तगड़े वॉल्यूम्स हैं, पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट्स, इस तरह के वॉल्यूम्स हैं भाई। तगड़े वॉल्यूम्स में जो बाइंग हो रही है वो दिखा रही है कि और तेजी तूल पकड़ेगी, 710 तक के अभी टारगेट्स हैं, 667 का स्टॉप लॉस है। और धर्मेश कांत साहब के साथ अच्छा मिला जुला का पिक है क्या? बहुत सारे नाम लिख देनी चाहिए आप लोगों ने। धर्मेश कांत साहब का पिक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, उनके रडार पे पोजिशनली अच्छी लगती है, और ये हाउसिंग फाइनेंस एज अ स्पेस शायद एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के IPO से पहले सब में चुकबुकाहट देखने को मिले, उसका फायदा, उसका रब ऑफ यहां पे भी देखने को मिलेगा। चलिए भाई आज के सारे प्रेफर्ड आइडियाज हो गए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।